तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्लस साइज स्मृति अरोड़ा। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर के पास। मेरा रेगुलर चेकअप है और ये रही समृद्धि। तो बस रेडी हो गए, अब जल्दी से निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट है और ये वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो हम निकलते हैं और फिर आपको वहाँ जाके मिलते हैं। गाइस, मैंने आज ये पहना है, ये मेरा फुल ड्रेस है, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना लेगिंग और फटोगे आप इन साइड, मैं लेगिंग्स और पैंट में ना आजकल काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये पूरा अंदर वन पीस है और ऊपर से ये मेरी पूरी लॉन्ग शर्ट थी बट मुझे अब नहीं आ रही है, तो मैंने इसको ओपन करके पहन लिया। तो कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। ऊपर आके बैठ के वीडियो बनाने लग गई, फिर मैंने बता दिया था, फिर मैंने खाना ही खा लिया, फिर आ गई थी। अच्छा, ए, कोई आ जाएगा? सो गाइज, हम आ गए हैं अब घर और मैंने दिखा लिया, मेरा चेकअप हो गया और मैं आपसे 10-15 मिनट में फ्री होके फिर बताती हूँ मुझे डॉक्टर ने क्या क्या बोला, तो बने रहिए। सो यस, हाय गाइज, मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने अभी वीडियो में देख लिया होगा, आज था मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, जो कि मुझे अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना था, बट इस बार मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था। मतलब आई थिंक पूरा 1 मंथ का गैप ले लिया था, बिकॉज अभी वैसे मतलब बीच में मैं एक विजिट कराई थी, बट उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, बट वो रेगुलर चेकअप नहीं था, बिकॉज उस टाइम मतलब मेरा जो वो चल रहा था, कैल्शियम आयरन की टैबलेट चल रही थी, तो वैसे भी उन्होंने मुझे कहा था अगर नेक्स्ट आना हो तो आप आराम से टाइम लेके आ सकते हो, क्योंकि अभी कोई इतनी जल्दी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि आज मैंने विजिट किया तो आज थोड़ी भीड़ कम थी, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि थी, तो इस चक्कर में भीड़ बहुत ही कम थी। मेरा आधे घंटे के अंदर ही नंबर आ गया था, सो एक तो इस बात की बड़ी खुशी हुई, बट थोड़ा सा उन्होंने कुछ बातों को लेके मुझे डरा दिया, तो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि मैं कोई न्यू मॉमी नहीं हूँ, फिर भी मेरे से ये गलतियाँ कैसे हो सकती है, तो मुझे थोड़ा सा हुआ। जैसे कि मुझे एक्चुअली एक टीटी ऑलरेडी लग चुका था, ठीक है, मेरे फर्स्ट ट्रेमेस्टर में, तो अब मेरा सेकेंड ट्रेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे दूसरा टीटी लगवाना था, बट मैं अपने फर्स्ट टीटी की डेट भूल चुकी थी। यस, उन्होंने मुझे बिठा भी दिया और बोला ठीक है, मतलब मुझे लगा कि हाँ अच्छा कैसा गैप हो गया, तो लगाने लगी, तो मेरे एकदम से पता नहीं माइंड में आया कि नहीं यार, आई थिंक मैंने अभी मार्च में ही लगवाया था टीटी, तो जो फर्स्ट टीटी होता है और सेकेंड टीटी में 1 मंथ से ऊपर का आपको गैप देना होता है, ठीक है। तो मतलब मेरे को हुआ कि नहीं यार, मतलब अगर मेरा टाइम वो 1 मंथ नहीं कंप्लीट हुआ ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है वो चीज़। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मुझे नहीं लग रहा कि अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ भी है, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, तुम और 15 डेज ले लो और आफ्टर 15 डेज हम लोग लगा देंगे वो टीटी। तो फर्स्ट थिंग किए कि यार अगर आप ऐसा मतलब आपकी प्रेगनेंसी है या आप प्रेगनेंट हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक तो अपनी मेडिसिंस, अपने इंजेक्शंस, अपनी ड्यू डेट्स वगैरह, इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखो। मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं था, बट पता नहीं क्यों यार, मतलब थोड़ा सा ना, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ कि अच्छा क्या होता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, जो फर्स्ट बेबी होते हैं ना, तो हम हर चीज़ के लिए ना, मतलब न्यू होते हैं ना, तो हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन टॉपिक्स को लेके, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होना है नेक्स्ट, क्यों हम न्यू मम्मी होते हैं। तो जब सेकेंड बेबी होता है तो यार इस
चीज़ के लिए ना मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है जिसका सेकंड बेबी हुआ है, जब आप सेकंड मॉमी बनते हो तो आप ना यूज टू हो जाते हो, मतलब हर चीज़ के लिए ना बड़ा हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा ऐसा है वैसा, तो वो हो जाता है। तो वही सेम मेरे साथ भी यही हुआ कि इसलिए मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही अपनी चीज़ों पर, क्योंकि बहुत नॉर्मल लेके कि हाँ ऑलरेडी मतलब वो एक्सपीरियंस है मेरे पास तो उस चीज़ को लेके, बट नहीं यार मेरे को आज थोड़ा सा हुआ और उस चीज़ के लिए मुझे मेरी डॉक्टर ने भी डांटा कि नहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज ऑब्वियस है यार उनको कैसे ध्यान रहेगा और कि उनके पास इतने पेशेंट्स आते हैं। हाँ ठीक है, हर किसी को वो नहीं इतना ध्यान रख पाती, तो फिर वो चीज़ तो मेरी ये गलती थी फर्स्ट। सेकेंड मुझे मेरी जो मेडिसिन चल रही है उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले जाना मैं भूल गई, और मुझे दवाइयों के नाम ऐसे याद नहीं है, मैडम सर अभी कौन सी दवाइयाँ चल रही है, तो मुझे वो भी याद नहीं थी। सेकंड गलती में से ये हुई कि मुझे वो याद ही नहीं कि मेरी दवाइयाँ कौन सी चल रही हैं। अब मेरी डॉक्टर मेरे घर से इतनी दूर है कि मैं इतनी जल्दी तो ला ही नहीं सकती, वो पड़ा है घर पे, दवाइयाँ भी पड़ी है, वो प्रिस्क्रिप्शन भी पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं घर जाके नहीं ला सकती। बट उन्हें उस टाइम मुझे मेडिसिन देनी थी क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है 15-20 डेज से, मेरी पूरी बॉडी में ना काफ़ी इचिंग टाइप हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, और मतलब मेरे को घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, चक्कर से आ जाते हैं, कुछ खाना पच नहीं रहा, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने मेडिसिन देनी थी। ऑब्वियस है वो जब तक पहली वाली चेक नहीं करेंगी तो वो न्यू कोई भी मेडिसिन ऐसे कैसे दे देंगी, ठीक है, वो भी इस हालत में। सेकेंड गलती मेरे से ये हुई जो कि अब मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों बाद मैंने विजिट करी, फिर उन्होंने ये डाटा कि नहीं अब आपको कंटिन्यूटी आना है, फिर अब मेरे कुछ कंटिन्यू टेस्ट वगैरह भी होने हैं, फिर एक और अल्ट्रासाउंड होना है, तो वही चीज़ उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने थोड़ा सा बेबी को चेक करा और बोला कि नहीं आपको थोड़ा सा खाने पीने पर अपना ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे बेबी को प्रॉब्लम होगी, और मतलब थोड़ा हाँ उन्होंने समझाया तो मुझे लगा नहीं यार इन चीज़ों का सही में ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि हाँ हम जब से किन्हें मॉमी होते हैं ना तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपनी चीज़ों पे, क्योंकि हम ना यूज्ड हो जाते हैं, तो लगता है हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का हुआ कि नहीं मुझे ध्यान देना है, और अपने आप का भी, अपने बेबी का भी, और खाने पीने का भी। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँ और हर चीज़ की चीज़ में मतलब टाइम टू टाइम वो करूँ। और पता है जबकि समृद्धि के टाइम ना मैंने सेकंड थर्ड मंथ में ही ना सारी चीज़ों की फाइलें बना ली थी, हॉस्पिटल में नेम भी बड़ी जल्दी लिखवा दी, मतलब हर चीज़ की ना एक्साइटमेंट थी। लेकिन अब तक आप मानो ना मैंने कोई हॉस्पिटल में नेम लिखवाया है, ना मेरी कोई ऐसी फाइल बनाई है, ना मेरी मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें संभाली है, कुछ नहीं संभाली हुई, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो मेरी कुछ गलतियाँ हैं। मतलब जबकि उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि अपना अल्ट्रासाउंड लाए हो पहले वाला, तो मैं वो भी नहीं लेके गई थी, और मैं अपनी ड्यू डेट भी भूल गई कि क्या अल्ट्रासाउंड में आई हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसे तो खुद से तो याद ही नहीं थी, मतलब तो मैं अभी तक तो अपनी ड्यू डेट अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग ही लेके चल रही हूँ, बिकॉज मुझे खुद से ऐसे याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंसीविंग का नहीं पता, तो इस चक्कर में मैं कुछ इस मतलब खुद ही बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसीलिए। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि नहीं यार अगर आप चाहे फर्स्ट मम्मी बन रहे हो, आप चाहे सेकंड मम्मी बन रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखो और अपनी हर चीज़, अपने जो भी आपको डॉक्टर स्लिप्स देते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, सारे रखो संभाल के उनको। और जबकि समृद्धि के टाइम की वो मेडिसिन की जो पैकेट्स हैं ना वो आज तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं, सोचो। तो इस चीज़ का रख होना चाहिए, और उस टाइम तो हर चीज़ में बड़ा सोच के मतलब ये दवाई लेनी है नहीं लेनी, या हर बार विज़िट करना, जल्दी जल्दी विज़िट करना। मैं वीक में वन टाइम विज़िट कर लेती थी वहाँ पे, और उस टाइम मैं थोड़ा नियर रहती थी तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब थोड़ा दूर आ गई हूँ तो टाइम नहीं मिलता थोड़ा सा कोई ले जाने वाला, फिर हो जाता यार अकेले जाना है, हिम्मत नहीं है, बस इस चक्कर में। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ अगर आप न्यू मम्मी बनना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, और बस क्योंकि बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, इसको हम चाहते हैं। और मुझे मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला कि देखो मैं ये चाहती हूँ कि हम ना कितना भी कुछ खा लें पी लें, है ना, वो हमारे ऑब्वियस है हमारे बेबी को लगना है। खुशी तब होती है जब वो एक हेल्थी बेबी हमारी गोदी में आता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को लेके भी अपने ऊपर कहूँगी कि मैं खाने को लेके भी ना काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस दिखाती हूँ कि अभी मन नहीं है, भूख नहीं है, खाना नहीं है, तो उन्होंने मुझे इस बात में भी डांटा कि नहीं आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ खानी है, ठीक है, भूख नहीं है तब भी खाओ, कोई बात नहीं, वॉमिट आती है आने दो, उसका कोई वो नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो अंदर जाएगा।
तो ये उन्होंने मेरे को बोला। और फिर यही कि हाँ, जब हमारे हाथ में हेल्थी बेबी आता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ यार चलो मेरा खाया पिया लगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जितना खाना पीना होता है ना, लगना होता है बच्चे को, सिर्फ हमारे पेट में ही लगता है, ठीक है, हमारी प्रेगनेंसी में लगता है। बाहर आने के बाद ना बच्चे मूडी हो जाते हैं, कोई कोई बच्चा खाता है कोई नहीं खाता, तो आपने जितना खाना है ना इसी टाइम खा लो, एटलीस्ट उसको उस चीज़ की ना हैबिट चलो कि वो हर चीज़ खाने वाला बने, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये गलतियाँ करते हैं, नहीं यार ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट बाद में हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो समृद्धि के टाइम तो मैंने हर चीज़ खाई थी, बहुत इंजॉय करी थी अपनी प्रेगनेंसी, ठीक है। हर वो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल हो गया था। लेकिन अभी मेरी वही सेम, अभी मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर में मेरी वही हालत चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ठीक है, मिलती हूँ, मैं ये वीडियो ही फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यस ठीक है, तो बाय बाय।